वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज असेसमेंट, राइट इट्स फंडामेंटल कंपोनेंट। अब हम जो है फंडामेंटल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, असेसमेंट के क्या कंपोनेंट्स हमारे रहेंगे। फर्स्ट वन इज फॉर्मुलेटिंग स्टेटमेंट ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, यानी कि हम सबसे पहला हमारा यही स्टेप होगा। जो भी हम अगर प्रिंसिपल की बात करें तो फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल यही कहता है कि जिस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं, जो हमारा प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, हमें सबसे पहले वही पता लगाना चाहिए कि क्या हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट जो है फॉर्मुलेट करनी चाहिए। यानी कि स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, वो डिस्क्राइबिंग होनी चाहिए, जो कि इंटेंशन बताए अबाउट व्हाट स्टूडेंट शुड नो, जो कि बच्चों को पता होनी चाहिए, अंडरस्टैंड एंड एबल टू डू विद देयर नॉलेज व्हेन दे ग्रेजुएट, यानी कि जब वो ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उसके बाद वो क्या क्या चीजें किस तरीके से वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग एंड सिलेक्टिंग असेसमेंट मेजर। डेवलप करें और सिलेक्ट करें असेसमेंट मेजर्स को। डिजाइनिंग एंड सिलेक्टिंग डाटा गैदरिंग मेजर्स टू असेस वेदर और नॉट अवर इंटेंडेड लर्निंग आउटकम हैव बीन अचीव्ड। हम यहाँ पर अब ये देखेंगे कि जो हमने डिसाइड किया था, क्या हम वो उसको अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए। इसके अंदर हम डायरेक्ट असेसमेंट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट असेसमेंट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट असेसमेंट हमारी होगी जैसे कि प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट, पेपर, थीसीज या फिर एग्जीबिशन, परफॉर्मेंसेज वगैरह। ये सब चीज़ें हमारे डायरेक्ट असेसमेंट है कि मैं डायरेक्टली ही देख रही स्टूडेंट को कितना समझ आया कितना नहीं। इनडायरेक्ट असेसमेंट यहाँ पर ये हो सकती है कि हम जो है रिस्पोंडेंट, जो हमारे और बच्चे हैं या ग्रेजुएट्स हैं, उनके साथ हम मेजर कर रहे हैं कि बच्चा जो है अगर ग्रेजुएट हो रहा है तो उसको इतना आता है समझ, दूसरे बच्चे ने कितना उसमें लर्न कर लिया। मैं इनडायरेक्ट वे से भी असेसमेंट कर सकती हूँ। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग एक्सपीरियंस लीडिंग टू आउटकम्स। यहाँ पर हम जो है एक्सपीरियंस ऐड करेंगे बोथ इन एंड आउट आउटसाइड देयर कोर्सेज, जो कि हेल्प करेगा बच्चों को इंटेंडेड लर्निंग आउटकम के अंदर, यानी कि जो चाहते थे कोर्स कंप्लीट होने के बाद बच्चा ये सीख पाए, वो उस चीज को सीख पाएगा। नेक्स्ट आता है डिस्कसिंग एंड यूजिंग असेसमेंट रिजल्ट टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। और फिर हम जो है जो भी हमारे डिस्कशन करेंगे, हम साथ के साथ जो भी असेसमेंट का रिजल्ट आया है और टीचिंग लर्निंग के अंदर हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम इसके अंदर देखेंगे कि परफॉर्मेंस अगर बच्चे की कहीं पे वीकनेस है तो उसको हम किस तरीके से इम्प्रूव करें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं।